हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सबका स्वागत है जुरासिक वर्ल्ड का एक और नया एपिसोड में। एंड गाइस, जैसा आप लोग ने देखा था पिछले एपिसोड में, जो है ना यहाँ पे कुछ ज़्यादा इवेंट था नहीं, तो हम लोग ने एक ही इवेंट लिया था जिसमें हम लोग ने बैटल लिया था। एंड उस पर जो है ना हमें यहाँ पे सुपर रेयर डाइनो एक मिल गया था, वो भी यहाँ पे हैच हो चुका है। तो आज भी जाके हम लोग देखने वाले कि कौन सा वाला ओपी सा इवेंट आया है, एंड वो इवेंट में जाके हम लोग बैटल लेने वाले। तो देखते हैं आज कौन सा वाला इवेंट है, हमें साथ साथ में कौन सा वाला रिवॉर्ड मिलता है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो जाने से पहले जो है ना यहाँ पे सब कुछ कलेक्ट कर लेते हैं, एंड उसके बाद चलते अपना जो है यहाँ पे बैटल की टूर्स। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें कलेक्ट करने के लिए आ चुकी है ऑलरेडी, ये कॉइन्स वगैरह हमें सब कलेक्ट करनी होगी, एंड उसके बाद चलते हैं बैटल की टूर्स। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगने वाला है, लेट्स गो। एंड हियर वी गो इज द, सो यहाँ पे आई थिंक कलेक्शन ऑलमोस्ट डन इज द, सो इसको ये दबा देने से काम 25 हो चुका है। सो यहाँ पे हैच करने के लिए कुछ है नहीं, तो अपना जो रेयर टाइप का डाइनोस है ना, मैं उसको यहाँ पे हैच करने छोड़ रहा, एंड उसके बाद आगे बढ़ लेते। सो अरे हो जा भाई जल्दी जल्दी, लेट्स गो इज द। एंड यहाँ पे जो है ना सब कलेक्शन हो चुका है, अभी चलते इवेंट की टूर्स, एंड यहाँ पे देखते हैं कि क्या होने वाला है। सो यहाँ पे इवेंट पे जो है ना, यहाँ पे मतलब शेक द अर्थ तो आने वाला है, बट उसके लिए वन डे है। तो अभी इवेंट में देखते कि यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, द बिग वन। ये बिग वन का जो था, हमें हमारे पास यहाँ पे बिग वन है नहीं, तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बचा है एक ही मतलब इवेंट। एक में तो JW पॉइंट्स हमें मिलने वाला है 1500, एंड दूसरा ये। तो हम लोग जाने वाले हैं ये बैटल में, कितना बैटल लेना है पहले आगे देख लेते हैं। हमें टोटल लेना है 4 बैटल्स, एंड यहाँ पे देखते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सो ओपोनेंट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा डाइनोस तो स्टार्टिंग में लेके आ गए है, तो हम लोग लेके चलते हैं इसको, दिस वन एंड ये वाटर टाइप। सो लेट्स सी अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बैटल जीत पाते हैं कि नहीं। सो यहाँ पे अभी अपना फर्स्ट है, तो हम लोग जो है ना पॉइंट्स को करने वाले होल्ड, एंड देखते कि यहाँ पे ओपोनेंट का मूव कैसा होता है। सो ओपोनेंट ने कर दिया डाइनो को स्वाइप, भाई ओपोनेंट का डैमेज देखना मस्त है, एंड डायरेक्टली एक पॉइंट को अटैक। वाओ वेरी नाइस, ये तो चाहिए था, उसके अलावा क्या ही कर सकते हैं। सो हम लोग ने भी कर दी यहाँ पे डाइनो को स्वाइप, आई डोंट थिंक वो उड़ने वाला है, फिर भी हम लोग यहाँ पे कोशिश तो कर ही सकते हैं। सो हम लोग ने यहाँ पे हम लोग ने भी दी दो पॉइंट अटैक में, एंड ओपोनेंट का जो है ना HP हम लोग ने काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि ओपोनेंट वापस से डाइनो को स्वाइप करता है या नहीं। तो यहाँ पे डाइनो स्वाइप करते वो ओपोनेंट ने आई थिंक वो एक अटैक करेगा, बट लकीली यहाँ पे किया नहीं है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग फिलहाल के लिए जो है ना पॉइंट्स को होल्ड कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे अटैक नहीं करते, एंड यहाँ पे देखते हैं कि ओपोनेंट क्या करता है। सो आई थिंक यहाँ पे ओपोनेंट को उड़ाने का चांसेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, तो ओपोनेंट ने यहाँ पे अटैक करते हुए अपना जो डाइनो उसका यहाँ पे बना दिया है PT, वेरी नाइस। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, अभी के लिए हम लोग करते हैं डाइनो को स्वाइप, नहीं डैमेज लगभग सेम ही है, 1 2 3। तो हम लोग यहाँ पे 4 दे रहे, क्योंकि मेरे को लगता है लग रहा था कि उसने शील्ड में दिया होगा, बट यहाँ पे उसने शील्ड में दिया नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे ओपोनेंट का जो डाइनो उसका यहाँ पे बन चुका है PT। अभी यहाँ पे आता ओपोनेंट का सेकेंड डाइनो, एंड यहाँ पे ओपोनेंट का जो डैमेज है वो कुछ ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे वो हमें काफ़ी इजीली उड़ा पाएंगे। तो यहाँ पे 5 अटैक देते हुए अपना जो डाइनो उसका यहाँ पे बना दिया है PT। सो हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा तो गड़बड़ी करी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गई है, बट नो वरीज, हम लोग यहाँ पे पूरा जीतने का कोशिश करने वाले। तो हम लोग ने दिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स, एंड हम लोग यहाँ पे कर रहे 4 पॉइंट को होल्ड। हम लोग ने दिए 3 अटैक में, एंड 4 पॉइंट को होल्ड। तो 3 अटैक के साथ साथ ओपोनेंट का सेकेंड डाइनो भी उड़ चुका है, अभी यहाँ पे आता है ओपोनेंट का फाइनल डाइनो। अगर उसने 4 ही अटैक कर दी तो अपने लिए अच्छा रहेगा, अगर नहीं किया तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो देख लेते हैं, ओपोनेंट ने कर दिया यहाँ पे 3 अटैक, तो देने से भी उसने एक पॉइंट ही शील्ड में दिया होगा, तो हम लोग का यहाँ पे कहीं ना कहीं एडवांटेज हो चुका है। तो 4 पॉइंट अटैक के साथ साथ ओपोनेंट का जो फाइनल डाइनो है उसका यहाँ पे बन चुका है PT, एंड हम लोग यहाँ पे बैटल जीत चुके हैं। ये बैटल जीतने के लिए थोड़ा मुश्किल तो था, बट एट द एंड जो है ना हम लोग ने यहाँ पे बैटल निकाल लिया है। अभी चलते हैं दूसरे बैटल के टूर्स, एंड देखते हैं कि यहाँ पे और कितना डिफिकल्ट होने वाला है। एंड यहाँ पे कुछ खास लेके नहीं गए, तो लेके चलते हैं इसको, ये फ्लाइंग टाइप। एंड अभी वापस से हमें लेके जाना होगा क्या, कार्निवरस, सो इसको लेके चलते हैं। ओ अपना रेक्स जो है ना उसको यहाँ पे करने के बाद, भाई देखा ही नहीं, ये तो इसका HP 1600 हो चुका है, काफ़ी अच्छी है। तो अभी यहाँ पे हो चुका है, अभी यहाँ पे 2 ग्रास टाइप एंड वाटर टाइप लेके आए थे। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना हम लोग कर रहे पॉइंट्स को होल्ड,
एंड यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ओपोनेंट क्या करने वाला है। दो अटैक में तो वैसे भी हम लोग उड़ने वाले हैं, बट ओपोनेंट ने कर दिया यहाँ पे डायनो को स्वाइप। एंड चलो अच्छी बात है कि उसने अटैक किया नहीं, तो हम लोग वापस से कर रहे हैं अपना पॉइंट्स को होल्ड, क्योंकि अपने पास और एक कार्निवरस है तो कहीं ना कहीं हम लोग बैटल निकालने का कोशिश तो कर ही सकते हैं। एंड यहाँ पे कर दी दो पॉइंट को अटैक करते हुए ओपोनेंट ने जो है ना अपना फर्स्ट डायनो को जो है यहाँ पे उड़ा दिया है। तो यहाँ पे ओपोनेंट के पास ज़्यादा पॉइंट्स तो कुछ था नहीं, शील्ड में दिया था, आई डोंट थिंक उसने शील्ड में दिया है। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे चार पॉइंट को अटैक एंड दो पॉइंट को यहाँ पे कर रहे होल्ड। तो यहाँ पे चार अटैक के साथ साथ ओपोनेंट का जो फर्स्ट डाइनो वो भी हम लोग ने उड़ा दिया। ओपोनेंट ने अपना डाइनो तो ऑलरेडी उड़ा दिया था, तो हम लोग ने भी यहाँ पे ओपोनेंट का जो डाइनो उसको यहाँ पे उड़ा दिया। अभी यहाँ पे ओपोनेंट के पास है तीन में से तीन ही पॉइंट अटैक करते हुए ओपोनेंट ने अपना जो सेकेंड डाइनो उसका भी यहाँ पे बना दिया है पीटी। तो अभी आता है यहाँ पे अपना सेकेंड डाइनो एंड सेकेंड डाइनो ये उड़ने वाला है दो पॉइंट में, तीन दे रहे शील्ड में एंड एक पॉइंट को दे रहे होल्ड कर रहे हम लोग। सो यहाँ पे तीन अटैक के साथ साथ ओपोनेंट का सेकेंड जो डाइनो उसका भी यहाँ पे बन चुका है पीटी। अभी यहाँ पे फाइनल डाइनो 1v1 है एंड अपना जो डाइनो है ना कहीं ना कहीं एडवांटेज है, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे ओपोनेंट क्या करता है। सो ओपोनेंट ने यहाँ पे एक भी ये नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि उसने चार पॉइंट ही शील्ड में दिया होगा। तो हम लोग यहाँ पे नहीं, गलत सीन हो गया, ये मूव गलत था, अभी मैं उड़ने वाली हूँ। मेरे को लगा नहीं था कि उसने चार पॉइंट शील्ड में दिया होगा, बट यहाँ पे ओपोनेंट ने चार ही पॉइंट शील्ड में दिया था। तो यहाँ पे हम लोग जो बैटल हम लोग जीत सकते थे वो भी बैटल हम लोग यहाँ पे हार चुके हैं। एंड अभी क्या ही कर सकते, अभी जो बैटल था वो तो अभी हार ही चुके हैं, तो हम लोग खास यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग वापस से लेके चलते हैं ये सब डाइनोस को एंड यहाँ पे बैटल जीतने का कोशिश करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे होने क्या वाला है। सो हम लोग यहाँ पे डाइनोस को लेके जा रहे हैं, बट दिस टाइम जो है ना हम लोग ने ग्रास टाइप का प्लेस में ग्रास टाइप ही लेके जा रहे हैं हम लोग। एंड यहाँ पे जो ग्रास टाइप ओपोनेंट का उसका डैमेज कुछ ज़्यादा ही है, HP से भी मतलब लगभग HP की जो उसका HP है उतना ही मतलब उसका डैमेज है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फटके के साथ साथ ओपोनेंट ने अपना जो डाइनो उसका यहाँ पे बना दिया है पीटी। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं डाइनो को स्वाइप एंड ये जो ओपोनेंट का फर्स्ट डाइनो ना उसको यहाँ पे उड़ा ही देते हैं। अभी यहाँ पे ऐसे भी खास कुछ करने नहीं वाले, तो इसलिए यहाँ पे दो अटैक के साथ साथ ओपोनेंट का जो डाइनो उसको यहाँ पे हम लोग ने उड़ा दिया है। बट अभी यहाँ पे मैं भूल गई थी कि ओपोनेंट का जो डाइनो है उसका यहाँ पे डैमेज कुछ ज़्यादा ही है, तो वो काफ़ी ईजिली मुझे यहाँ पे उड़ा सकता है। तो यहाँ पे ओपोनेंट ने जो है ना अपना बना दिया है पीटी। तो मेरे को लगता है कि वापस से ये बैटल जीतना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मुश्किल ही नहीं पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। सो हम लोग ने यहाँ पे तीन अटैक करते हुए वापस से गलती कर दी। लास्ट मैच जो है ना काफ़ी इजीली जीत सकते थे, बट थोड़ा सा गलती के चक्कर में यहाँ पे बच चुका है अपना बैन। अभी यहाँ पे तीन अटैक के साथ साथ अपना डाइनो का यहाँ पे बन चुका है पीटी एंड हम लोग यहाँ पे एक और बैटल जीत चुके हैं। हमें जीतना था चार बैटल, उसमें से एक बैटल जीतते हुए हम लोग दो बैटल यहाँ पे कंटिन्यूस हार रहे। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पे करना क्या चाहिए, क्योंकि अपना जो कार्निवरस है वो सब यहाँ पे जा चुका है। अभी अपने पास खास कुछ ऑप्शन बचता है नहीं, तो एक काम कर लेते हैं, ये जो डाइनोस है ना इसको बहुत ज़्यादा ही है, इसको यहाँ पे ले लेते हैं साथ में ये फ्लाइंग टाइप एंड इसको लेके जाना अभी तो भाई गलत सीन हो जाएगा। तो इसको लेके चलते हैं। अभी हम लोग सेम टाइप का डाइनोस लेके वापस से जा रहे हैं, बट दिस टाइम जो है ना हम लोग गलती नहीं करने वाले। हम लोग ऑलरेडी दो बैटल हार चुके हैं, तो दिस टाइम जो है ना वो रिक्स बिल्कुल भी ले नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पॉइंट्स को होल्ड स्टार्टिंग में एंड देखते हैं कि यहाँ पे ओपोनेंट का मूव क्या होने वाला है। सो ओपोनेंट यहाँ पे दो अटैक के साथ साथ अपना जो डाइनो है ना उसका यहाँ पे पेटी बना दिया है एंड हम लोग यहाँ पे अभी के लिए जो है ना डाइनो को स्वाइप कर तो सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं डाइनो को स्वाइप एंड डाइनो को स्वाइप करने के साथ साथ हम लोग दे देते हैं क्या करें, दो पॉइंट को कर लेते हैं होल्ड। सो ओपोनेंट के पास दो पॉइंट है, वो दो पॉइंट में तो मेरे को उड़ाना नहीं चाहिए था। सो ओपोनेंट ने कर दिया डाइनो को स्वाइप एंड उसके साथ साथ एक पॉइंट अटैक। तो हमें पता है कि अभी ओपोनेंट के पास एक भी पॉइंट इसमें है नहीं, तो हम लोग कर रहे हैं वापस से डाइनो को स्वाइप करते हुए। यहाँ पे कितना पॉइंट्स में उड़ने वाला है, 1 2 3। सो हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे तीन पॉइंट अटैक में एंड एक पॉइंट हम लोग ने कर दिए होल्ड। तो ये इसके साथ साथ हम लोग ने ओपोनेंट का फर्स्ट डाइनो को तो उड़ा दिया है, बट यहाँ पे आता है ओपोनेंट का सेकेंड डाइनो एंड यहाँ पे ओपोनेंट हमें काफ़ी इजीली उड़ा पाएंगे, तो हमें यहाँ पे थोड़ा देख के करना होगा। तो ओपोनेंट ने कर दिया तीन पॉइंट, दो पॉइंट को अटैक
अपना जो डाइनो है उसका यहाँ पे बन चुका है पेडी। तो हम लोग यहाँ पे दे रहे वापस से 3 पॉइंट को अटैक में एंड 2 पॉइंट दे रहे होल्ड कर रहे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अगर फिर से क्या ना इतना जो ग्रीन कैश हम लोग ने यूज़ किया है तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बट वाह भाई मेरे कल एंड हम लोग यहाँ पे वापस से अपना बच चुका है बैंड। एंड मुझे नहीं लगता कि आज ये जो बैटल है ना आप लोग निकाल पाएंगे, फिर भी यहाँ पे कोशिश करने वाले हम लोग। यहाँ पे 3 के 3 बैटल भाई कंटिन्यूस हारे जा रहे हैं, हमें 3 बैटल जीतनी है बट वो भी हम लोग से हो नहीं पा रहा है, कैसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग वापस से जो है ना यहाँ पे करने वाले ट्राई वंस मोर, हम यहाँ पे देखने वाला अगर ये बैटल नहीं हुआ ना भाई क्या ही कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 बैटल बैक टू बैक सभी बैटल हम लोग हारे जा रहे हैं, यहाँ पे खास कुछ कर ही नहीं पा रहे। सब स्टार्टिंग में हम लोग कर रहे थे पॉइंट्स को होल्ड, मेरे को फर्स्ट लेके जाना चाहिए था कार्निवरस, मैंने वो गलती कर दी। बट नो वरीज अभी यहाँ पे लेके आ चुके हैं तो अभी क्या ही कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग ने लेके गए वाटर टाइप, तो यहाँ पे अभी काम 25 हो चुका है अपना डाइनो का, तो हम लोग भी कर लेते हैं। ओके हम लोग भी यहाँ पे 3 अटैक करते हुए हम लोग भी यहाँ पे ओपोनेंट का जो डाइनो है ना उसको हम लोग ने भी यहाँ पे उड़ा दिया है। अभी यहाँ पे आता है ओपोनेंट का सेकेंड डाइनो एंड ये डाइनोज जो है ना एचपी काफ़ी ज़्यादा कम है उन लोग का, और डैमेज भी भाई क्या ही बोले, उन लोग का एक एक फटके में हम लोग यहाँ पे उड़ सकते हैं बट अपना जो है ना यहाँ पे उड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो अभी तो हम लोग का एचपी जो है ना डैमेज काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, तो हम लोग दे रहे 2 पॉइंट शील्ड में एंड 1 पॉइंट को कर रहे होल्ड। अभी यहाँ पे उसके अलावा अपने पास खास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है, तो यहाँ पे ओपोनेंट ने कर दी 3 पॉइंट को अटैक, सही है। अभी हम लोग कर रहे वापस से 3 पॉइंट को अटैक एंड 2 पॉइंट को कर रहे होल्ड। एंड यहाँ पे ओपोनेंट के पास है 4 पॉइंट, 4 में से 4 ही पॉइंट अटैक करते हुए अपना एचपी जो है ना उसने बहुत ज़्यादा ही कम कर दिया है। हाँ 1 2 3 4 5 6, चलो हम लोग ने यहाँ पे 6 पॉइंट तो अटैक कर दिया बट हमें पता है कि यहाँ पे ओपोनेंट का जो फाइनल डाइनो उस वो डाइनो जो है ना हमारा यहाँ पे अपना बैंड बचने वाली है, क्योंकि उसका डैमेज काफ़ी ज़्यादा है, अपने पास एक भी शील्ड नहीं है। तो गाइस आज जो है ना अपना लक साथ नहीं दिया, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक बैटल छोड़ के रे सबके सब बैटल जो है ना यहाँ पे हार चुके हैं, हम लोग यहाँ पे रिवॉर्ड भी क्लेम नहीं कर पाए। ऐसे फर्स्ट टाइम हुआ कि हम लोग इतना ज़्यादा ट्राई करने के बावजूद भी जो है ना हम लोग यहाँ पे बैटल निकल नहीं पाए। एंड जो भी अपना अच्छा डाइनो था अभी तो है नहीं, सो ये बैटल जीतना तो मतलब पॉसिबल है नहीं। सो बैटल शायद इजी था बट मैंने बहुत ज़्यादा गंदा मतलब गलत मूव्स ले लिया, उसके रीज़न से जो है ना यहाँ पे अपना बन चुका है पेडी। एंड जो भी अपना अच्छा अच्छा डाइनोस था वो सब यहाँ पे जा चुका है, हम लोग यहाँ पे कुछ भी खास कर नहीं सकते। सो देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है, हम लोग ये बैटल निकाल पाते कि नहीं। फिलहाल के लिए तो डाइनोस वगैरह कुछ भी है नहीं तो हम लोग ये बैटल ले नहीं पाएंगे, बट अगर पॉसिबल रहा अगर ये बैटल जो है ना अगले एपिसोड में भी रहा तो हम लोग यही बैटल कंटिन्यू करने वाले हैं, यहाँ पे बैटल जीतने का कोशिश करने वाले। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ये भी बताने कि आज का जो एपिसोड है आपको कैसा लगा। यहाँ पे जो है ना हम लोग ने जो बैटल दी भाई यहाँ पे ये इवेंट पे हम लोग बैटल एक छोड़ के रेस जो बैटल हम लोग निकल नहीं पाए, हम लोग ने ग्रीन कैश भी यूज़ कर लिया फिर भी लगने साथ नहीं दिया। एंड हम लोग यहाँ पे जितना भी बैटल्स दिया एक को छोड़ के रेस सबके सब बैटल्स हार गए, एंड उसके साथ साथ जो है ना यहाँ पे हमें कोई भी रिवार्ड नहीं मिला। बट हम लोग कोशिश करेंगे आगे जो बैटल्स आने वाले उसमें जीतने के लिए एंड ओपी से ओपी रिवार्ड क्लेम करने के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।